पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप अच्छे से होंगे। वाइग्रा, 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 नाम तो सुना होगा आपने। नहीं सुना है वाइग्रा का नाम? नहीं सुना है? अरे क्यों मजाक कर रहे हो, सच में नहीं सुना है? कोई बात नहीं जी, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं वाइग्रा के बारे में। कौन सी ऐसी रात है जो आपको हमको हमेशा याद रह जाती है? क्या वो एक ऐसी रात है जो आप एक वेश्या के साथ गुजारते हो पहली बार, या फिर वो कोई ऐसी रात है जो कि हॉस्पिटल में आप गुजारते हो जब आपका नियर और डियर वन हॉस्पिटल में भर्ती होता है, या फिर एक ऐसी रात है जो कि आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी पार्टनर के साथ गुजारते हो? जी हाँ, पूरी रात, जिसे हम लोग कहते हैं ना सुहाग रात, गोल्डन नाइट। आखिर इनमें से कौन सी रात है जिसने आपके दिल पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, जिसने आपकी लाइफ को इम्पैक्टेड किया है? आप तो जानते ही हैं इस बारे में, वो रात है सुहाग रात, गोल्डन नाइट। यूजुअली इंसान के जीवन में एक ही बार आती है, विरले हैं जो दो दो तीन तीन चार चार शादियां करते हैं, सैफ अली खान जैसे, और इनके जीवन में दो बार भी, तीन बार भी ये रात आती है। पर हम और आप तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे जीवन में ये रात सिर्फ एक बार आती है और बहुत स्पेशल होती है। क्या जब आपकी सुहाग रात है तब आपको वाइग्रा का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस बारे में आज हम और आप मिलकर बात करेंगे। आपको जानना है इसके बारे में, ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको एक ही चीज करना चाहिए, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना चाहिए। अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो ना जी, तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए। देखो वाइग्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। अमेरिका में ये ड्रग जब बनाई गई वाइग्रा, इसका उद्देश्य ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना था। एक सेट ऑफ पीपल लिए गए, कुछ लोगों पर इन लोगों ने, रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया ना जी, तो ये देखा गया कि ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो रहा है, उस पर चेंज आ रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है इस दवाई को लेने से। लेकिन जिन पेशेंट्स को दिया गया था उन लोगों ने कहा कि जी ये दवाई आपने दी है, इससे हमें सेक्सुअल फीलिंग बहुत जग रही है, हमारे जो प्राइवेट ऑर्गन में बहुत बहुत कड़कपन आ रहा है, इरेक्शन जबरदस्त आ रहा है। तो उन रिसर्चर्स ने सोचा कि यार ये तो रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है, ब्लड प्रेशर तो कैसे भी हम कंट्रोल करवा देंगे, योगा करवा देंगे, मेडिटेशन करवा देंगे, एरोबिक्स करवा देंगे, एक्सरसाइज करवा देंगे, रनिंग करवा देंगे, वेट कंट्रोल करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, सॉल्ट इंटेक कम करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे। लेकिन ये तो बड़े काम की चीज है बाबू, बड़े काम की चीज। इसको अगर पेशेंट्स को दे रहे हैं और पेशेंट्स में ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग फूट फूट के सामने आ रही है, तो क्यों ना इससे वाइग्रा बनाया जाए। इस प्रकार से वाइग्रा दवाई बनी और आज किसी भी स्टोर पे आसानी से उपलब्ध है, आपके घर के पड़ोस के मेडिकल स्टोर में भी आपको मिल जाएगी। अलग अलग कंपनीज है ना, जैसे फाइजर भी बनाती है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है। लेकिन सुहाग रात जो है, क्योंकि मैंने बताया कि एक ही बार आती है, आपको अपनी मर्दानगी अपनी वाइफ के सामने दिखाने का मौका मिल रहा है पहली बार। कहते हैं ना इंग्लिश में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहली बार अगर तुमने अच्छा इंप्रेस कर दिया उसको,
वो हमेशा तुम्हारे प्यार में, जो अगली है वो तुम्हारे प्यार में जी पगली रहेगी, बिल्कुल पगली। फर्स्ट रात को ही प्रॉब्लम हो गई, बराबर सेटिस्फाई नहीं कर पाए, फिर भरोसा नहीं है गुरु। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, उसका ध्यान रुझान इधर उधर उधर इधर हो सकता है, फिर मुझे ब्लेम मत करना। लोग कहते हैं कि अरे वायग्रा लोगे तो आपके हार्ट में दर्द शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, आपको अनईजी लगेगा। अरे अनईजी लगने दो ना यार, एक दिन कोई आपको हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आने वाला है। एक गोली वायग्रा की लेनी है 2 घंटे पहले, सुहागरात जब आप मनाना चाहते हैं, फिर आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त हो गया है। आप अपनी पत्नी को एकदम आसमान पे, जन्नत पे पहुंचा पाए हैं, असीम सुख आपको मिला है और परम सुख आपने अपनी वाइफ को दिलाया है। वो आपकी दीवानी हो गई, वो कह रही कि प्रेम में तेरे प्यार में दीवानी हूं। आपका नाम प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम नहीं है तो भी आपकी वाइफ आपकी दीवानी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए ऐसा करो। और जो साइड इफेक्ट है ना, उसकी चिंता मत करो। कोई हार्ट अटैक से एक दिन में मरोगे नहीं, सिर में दर्द हुआ तो होंगे यार, उसको आनंद दिलाते यार, जिंदगी भर तेरी हो जाएगी वो, समझ बात को। तो जरूर लेना है, आप लोगे ना तो आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। शादी जब आपकी होती है तो पवित्र जो फायर है, जो पवित्र अग्नि है, उसके आसपास 7 राउंड आप लेते हो, तो रात को 7 राउंड लेने की मत सोचो। लेकिन 3 राउंड तो आप ले ही पाओगे, अगर वायग्रा ले लोगे आसानी से ले पाओगे, तो क्या वेट कर रहे हो? अरे वेट तो करना पड़ेगा, शादी तो करोगे तब ना। वो जो शादीशुदा है वो भी ले लो यार, डेट पे जा रहे हो तो भी ले लो, नॉर्मल सेक्स कर रहे हो तो भी लेके तो देखो एक बार। जब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सिगरेट तुमने पी है कि नहीं? ट्राई तो कर लो पाजी। दारू ट्राई तो कर लो, एक एक बार ट्राई किया ही है तुमने, फिर छोड़ दिया भले। ऐसे ही वायग्रा ट्राई करके देखो, कोई गड़बड़ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ गड़बड़ नहीं है, ठीक है? चलो आज की कहानी यही तक ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।